तो अगर हम इन आटो प्लेयर्स के सारे वॉर स्टार्स को कैलकुलेट करते मतलब ऐड करते तो यार कितने बनते आपको पता है? मैं बताता हूँ ना। तो गाइस इनके सारे आटो प्लेयर्स के वॉर स्टार्स मिलाकर बनते हैं 24,602 वॉर स्टार्स। हेलो गाइस, सो गाइस स्वागत है मेरे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम फिर से एक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है टॉप 5 सीरीज। तो गाइस जैसे कि तुम लोग को पता है कि यार मैंने टॉप 5 सीरीज के बहुत सारे वीडियोस बनाए, अगर आपने वो नहीं देखी, अगर यहाँ पर पॉपअप आ रहा है ये देखना, पहले इस वीडियो को देखो उसके बाद ही वो जाकर देखना। तो यार आज हम लोग 8 प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, उन प्लेयर्स के वॉर स्टार एकदम अमेजिंग है गाइस, इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि यार मैं आपको बता नहीं सकता। तो ऐसे यार मेरे पास 8 प्लेयर्स है, तो चलो यार देखते हैं सबसे पहले वाले को। और पहले बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर देना, क्योंकि यार मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस और यूनिक वीडियोस सबसे हटके वीडियोस लाता ही रहता हूँ हर रोज़। तो चलो यार बढ़ते हैं सबसे पहले की तरफ। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहला वाला प्लेयर आ चुका है जिसका वॉर स्टार है 2,225 और ये लेजेंड में जाकर आ चुका है, जो कि यार ऑलमोस्ट 6,000 में। यार क्या बात है भाई, ट्रॉफीज भी इसकी कमाल की है और शायद ये फिर से लेजेंड में जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यार इसका भी ज़्यादा ट्रॉफी नहीं बचा है, सिर्फ 140 ट्रॉफी चाहिए इसको वापस से लेजेंड में जाने के। तो सबसे पहले यार बात करेंगे इसके वॉर स्टार्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार इसका जो वॉर स्टार्स है वो है 2,225, जो कि यार अपने आप में ही बहुत ही अमेजिंग है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं कम से ज़्यादा में जाऊँगा, ठीक है ना। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं दूसरे प्लेयर में जिसका नाम है रेनोव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके वॉर स्टार्स, और सबसे पहले तो यार देखो ये TH7 का बंदा है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ट्रूप्स के लेवल बहुत ही कम है, तो यार ये इतना सा मतलब TH7 का बंदा होकर ये 2,447 मतलब ऑलमोस्ट 2,500 में वॉर स्टार्स गेन कर सकता है, तो यार हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बस यार हमें वॉर में ज़्यादा ध्यान देना होगा। और गाइस ऐसे हार्ड वर्किंग प्लेयर यार हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में बहुत सारे जगह पर आपको मिलेंगे, मेरे क्लैन में भी है यार दो जन है मेरे क्लैन में जिनके यार वॉर स्टार 1,000 से ज़्यादा है, और एक के शायद 1,500 के आसपास है कुछ वॉर स्टार्स। तो यार बहुत ही मतलब मेहनत करने वाली चीज़ है। हाँ तो चलो यार बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं तीसरे वाले प्लेयर के ऊपर, इसका नाम है पाइकर ने। मुझे नहीं पता मैंने इसका नाम सही लिया या नहीं, मगर हमें इसके नाम से क्या लेना देना है भाई, हमको लेना देना है इसके वॉर स्टार से। तो यार इसका वॉर स्टार आप देख सकते हो 2,881, जो कि है TH11 का बंदा। एंड गाइस इसी के क्लाइन से और एक बंदा है जिसका नाम यार मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं देखा है, मगर यार उसका जो वॉर स्टार है ना वो हमारे लिस्ट में सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे पहले नंबर पर वही आएगा। तो यार उसके ऊपर हम लोग बाद में बढ़ेंगे, सबसे पहले यार इसके वॉर स्टार्स देखो 2,881, और ये है चैंपियन लीग में अभी, मतलब अभी नहीं वो था, उसका ऑल टाइम बेस्ट है। और गाइस अभी ये मास्टर लीग 1 में है, इसके ट्रॉफीज आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसके ट्रूप्स भी यार बहुत ही अच्छे खासे, ये हीरोज़ भी सही है, मतलब थोड़ी सी दूरी पर है मैक्स आउट होने में, तो भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत मेहनती बंदे भाई ये सब। तो चलो यार बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं चौथे वाले बंदे के पास जिसका नाम है आशु, और मुझे नहीं पता ये इंडिया के क्लैन से है कि नहीं, देखते हैं। तो ये इंटरनेशनल है, इसमें यार कहीं से भी हमें नहीं पता चल रहा है कि यार ये कौन से क्लैन से है, मगर यहाँ पर जो प्लेयर्स है ना इनके नाम से पता चल रहा है कि यार ये शायद इंडिया का ही क्लैन है, क्योंकि यहाँ पर है अभिषेक JO, ये नाम मैं नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर है रामचंद्रा स्वैगर और प्रिंस ABD बतोसाई नागराज, तो नाम से तो लग रहा है भाई ये इंडियन ही प्लेयर है। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है यार, इसका जो वॉर स्टार्स है वो है 3,026 और ये लेजेंड में जाकर आ चुका है, फिलहाल ये है 1,304 ट्रॉफी में, तो भाई चलेगा यार, चलता है ना, ये अभी भी ऑनलाइन बंदा। और इसके पूरे के पूरे प्रोफाइल देख सकते हो, प्रोफाइल में ट्रूप्स के लेवल्स देख सकते हो आप, सारे के सारे मैक्स आउट है भाई, प्लेयर भी मैक्स आउट ही होगा बंदा, तो यहाँ पर देखते हैं एक बार। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यार पूरा मैक्स आउट बंदा है, और भाई क्या मेहनत की होगी ना इसने। और इसके क्लैन का नाम ही है यार एक्टिव वॉर्स, मतलब यार ये अभी तक इतना डट कर वॉर खेलता है कि यार ये अभी भी वॉर स्टार्स बढ़ाने पे ही तुला हुआ है। तो इसके फिलहाल वॉर स्टार्स है 3,026 वॉर स्टार्स, जो कि यार बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना। तो चलो यार बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फिफ्थ वाले बंदे के पास, और इसका नाम है दी वेज, और इसका जो वॉर स्टार्स है वो है 3,000
155। तो यार ये बहुत उससे भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये है एक TH9 का बंदा, पूरा मैक्स आउट है भाई इसका TH9, यहाँ पर आप देख सकते हो। बस इसका दो ही चीज़ मैक्स आउट नहीं है, वो है किंग और क्वीन, जो कि भाई उतना मायने नहीं रखता, मगर इसके पूरे ट्रूप्स मैक्स आउट है और ये अभी भी ऑनलाइन होता है। और गाइस इसका जो क्लैन है वो है इंटरनेशनल लोकेशन पे, इसका मतलब है ये एक फॉरेनर ही है, क्योंकि इसके क्लैन में कोई भी इंडियन मुझे नज़र नहीं आया। मगर यार इसके वॉर स्टार्स देखो यार, 3155 भाई यार, मैं सिर्फ सपने में सोच सकता हूँ ये सब, क्योंकि यार मैं जल्दी वॉर खेलता नहीं, क्योंकि यार मैं जब वॉर में अटैक करने लगता हूँ ना, तब मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। तो चलो यार बढ़ते हैं 6 की तरफ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं 6 वाले बंदे के पास, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपने क्लैन का लीडर है और इसका नाम है जय, ये भी एक इंडियन ही होगा। चलो यार इसके क्लैन लोकेशन पहले पता करेंगे। तो भाई इंटरनेशनल ही है, और यहाँ पर शायद ही कोई दिख रहा है, यूरो हंटर, जोशी, रैन, मिथिक, तो शायद हाँ, ये इंडिया का, ये बंदा इंडिया का ही है। और इसके वॉर स्टार्स देखो गाइस, 3373 वॉर स्टार्स, इसके सारे ट्रूप्स, और ये टाउन हॉल 11 का बंदा है, सारे चीज़ें मैक्स आउट है यहाँ पर आप देख सकते हो। मगर ये अभी तक लेजेंड में नहीं जा पाया, क्योंकि यार ये ज़्यादातर मुझे लगता है कि यार ये ज़्यादा वॉर पे फोकस करता होगा, इसीलिए इसके ये इतने कम ट्रॉफीज़ है। तो चलो यार कोई बात नहीं यार, मगर इस बंदे को यार कुछ तो मिला, मतलब मगर यार इस बंदे का नाम तो है इतना ज़्यादा वॉर स्टार्स करने के लिए, 3373 वॉर स्टार्स, और ये हमारे लिस्ट में है 6th नंबर पे। तो चलो यार बढ़ते हैं 7th नंबर पे। तो इधर हम लोग आ चुके हैं 7th वाले बंदे के ऊपर, और इसका नाम है 1i, और ये क्लैन का लीडर है जिसका नाम है 1hop, और इसका यार टाउन हॉल 10 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार। और गाइस आप इसके प्रोफाइल देख सकते हो, और इसके पास है वॉर स्टार 3679, जो कि भाई बहुत ज़्यादा है यार। मैं तो यार इन्हें देख कर ही इतना शौक हो रहा हूँ ना, कि यार ये कितना मेहनत करते होंगे यार वॉर में, मतलब हर वॉर में कम से कम इन्हें 5 या फिर 6 तो लाना ही है, क्योंकि इन्हें अपना वॉर स्टार्स बढ़ाना है और दुनिया में फेमस होना है। तो भाई ये एक TH10 का बंदा है, और पूरा मैक्स आउट है इसका TH10, मगर इसका बेस मैंने अब तक देखा नहीं है, शायद मैक्स आउट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पूरा मैक्स आउट ही होगा। अब इसके डिफेंस कौन देखने जाएगा यार, क्योंकि हमें बढ़ना है सबसे बेस्ट प्लेयर के ऊपर, जिसका वॉर स्टार्स बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वो हमारे लिस्ट में आएगा 1st नंबर पे, क्योंकि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से जा रहा हूँ, इसीलिए वो 7th नंबर मैंने बस उसे दिया है, ठीक है ना। बाय द वे यार वो बहुत ही मतलब मेहनती बंदा है, और वो आता है हमारे लिस्ट में सबसे पहले। तो चलो यार बढ़ते हैं सबसे आखिरी प्लेयर के ऊपर, जिसका वॉर स्टार्स इन सभी प्लेयर से बहुत ज़्यादा है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा कि यार ये ओवरलैंडिया का एक दूसरा प्लेयर है, जो सबसे हाईएस्ट वॉर स्टार से हमारे लिस्ट में खड़ा हुआ है 1st नंबर पे, इसका नाम है इनकन्वीनियंट डे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये TH11 है, इसके सारे ट्रूप्स मैक्स आउट नहीं है, मगर भाई ये बहुत ही आगे आ चुका है हमारे लिस्ट में सबसे पहले, वो भी 3816 वॉर स्टार्स के साथ। तो यार अब तो देखने वाली बात यह है कि यार 4000 ट्रॉफीज सबसे पहले कौन क्रॉस करता है, और अगर आपको 4000 ट्रॉफीज तक जाना है तो भैया इतने ज़्यादा वॉर खेलने पड़ेंगे, और हर एक वॉर में कम से कम 5 या फिर 6 या फिर समझ लो 4, ठीक है ना, वॉर स्टार से तो यार जीतना ही पड़ेगा आपको, वॉर नहीं भी जीतोगे चलेगा, मगर आपको वॉर स्टार से ज़्यादा मतलब है। अगर आपको चाहिए ऐसे वॉर स्टार्स 3816, तो ये सबसे हाईएस्ट, दुनिया में सबसे हाईएस्ट इसका ही वॉर स्टार्स है, जिसका नाम है इनकन्वीनियंट है। तो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, तू सबसे पहला बंदा है जिसके पास है 3816 वॉर स्टार्स। एंड गाइस मैं यार भूल ही गया कि यार इसे हिंदी कहाँ समझ में आती है यार, ये एक फॉरेनर है और मैं इसको हिंदी में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। तो चलो यार कोई नहीं, ये वैसे भी मेरी वीडियो देखने नहीं वाला है। तो गाइस ये थे हमारे 8 प्लेयर्स जिनके वॉर स्टार्स सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इन 8 प्लेयर्स के सारे वॉर स्टार्स को कैलकुलेट करते मतलब ऐड करते तो यार कितने बनते आपको पता है, मैं बताता हूँ ना। तो गाइस इनके सारे 8 प्लेयर्स के वॉर स्टार्स मिलाकर बनते हैं 24,602 वॉर स्टार्स, जो कि भाई बहुत ज़्यादा है यार, बहुत, ठीक है ना, 24,000 मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ऐसा करूँ कि यार मेरे सारे जितने भी क्लैन मेंबर्स है ना, मेरे 49 मेंबर्स है, अगर मैं उनके वॉर स्टार्स को कैलकुलेट करूँ तो यार मेरे पास आएंगे 23,627 वॉर स्टार्स, जो कि अब भी कम है यार, 975 वॉर स्टार्स अब भी कम है। तो भाई कंपटीशन देख रहे हो, वहाँ पर 8 बंदे, सिर्फ 8 बंदे, और हमारे पास है 49 बंदे, फिर भी उनके
टक्कर तक नहीं पहुंच पाई हमारी वॉर स्टार्स। तो यार आपके क्लाइंट के पूरे ओवरऑल वॉर स्टार्स कितने हैं मुझे यार नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि यार मुझे जानना है आपके कितने थाउजेंड हैं, क्या आपके 30,000 तक पहुँच पाएंगे, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ बस। तो ऐसे चलो यार आज की वीडियो को सिर्फ यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि यार किस किस प्लेयर के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉर स्टार्स है, इस एपिसोड में मैंने उन्हीं के बारे में बताया है। अगर आपको फिर से देखना है तो यार आप फिर से देख सकते हो, अपने दोस्तों को दिखाओ कि यार हाँ ये सारे प्लेयर्स हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस में एग्जिस्ट करते हैं, और खास करके ये वाले बंदे को। तो चलो यार हम बढ़ते हैं हमारे होम विलेज में, क्योंकि यार अभी आउट्रो को भी रिकॉर्ड करना है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने होम विलेज में, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ भी खास नहीं हो रहा है। मेरे वॉर स्टार्स भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है यार अभी आपको जानना ही होगा कि यार मेरे वॉर स्टार्स कितने हैं, और मैं आपको बता दूँ मेरे वॉर स्टार्स बहुत कम है। तो ये देखो यार सबसे लिस्ट में सबसे आखिर में आता है हमारे ये वाला प्लेयर, जिसका वॉर स्टार्स है 368। वाह, ऐसा प्लेयर तो यार आपको हर एक गली में मिलेगा जिसके वॉर स्टार्स ऐसे होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और ये थी हमारी एक और एपिसोड टॉप 5 सीरीज़ के तरफ से। अगर आपको टॉप 5 सीरीज़ की और वीडियोस देखनी है तो भाई मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देखो, बहुत अमेजिंग वीडियोस है यार, आप लोग देखकर चौंक जाओगे ऐसी वीडियोस। क्योंकि यार आज तक ऐसे वीडियोस कौन बनाता कौन है यार, सिर्फ मैं बना रहा हूँ, तो अप्रिशिएट कर लो यार थोड़ा सा। और हाँ गाइस इसे लाइक मारो, इसे शेयर मारो, इस पर कमेंट मारो, कुछ भी मारो यार, अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मार सकते हो ना वो सब। एंड गाइस अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर मारो यार, बेल आइकन को दबाओ, मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो भाई मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए प्ले गेम्स, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी कॉमेडियन, पीस आउट। हे गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, जल्दी से यार मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार हमारी चैनल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है क्लैश ऑफ क्लैंस कम्युनिटी में।